एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टार बाय भूमिका। और मैं हूं आपकी दोस्त भूमिका। अगर आपको फैशन, ब्यूटी और हॉल से रिलेटेड वीडियो देखने अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और कर रखा है तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में लेके आई हूँ मीशो साड़ी हॉल। हाँ जी, बहुत अफोर्डेबल साड़ी लेके आई हूँ और इस समर के लिए तो बहुत अप्रोप्रिएट है। आप अगर आप एक टीचर हो या हाउसवाइफ हो, आप घर पर साड़ी पहनते हो, या फिर आप ऑफिस जाते हो, वर्किंग वूमेन हो, तो आप आराम से साड़ियों को कैरी कर सकते हो। कॉटन साड़ियाँ बहुत अच्छे और बहुत अफोर्डेबल रेट में काफ़ी अच्छी साड़ी मिल गई है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहली साड़ी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो यही है जो मैंने पहन रखी हुई है। ये प्योर कॉटन की साड़ी है और काफ़ी अच्छी साड़ी है और काफ़ी अच्छा मटेरियल है। इसके साथ आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा, पूरी फुल लेंथ जितनी भी होती है, 5-5.5 मीटर उतनी ही है। अच्छे से पूरी, कोई छोटी वोटी नहीं है, काफ़ी अच्छी क्रीम कलर की है। और आप देख रहे हो जैसे कि इस पर बर्ड्स बने हुए हैं, है ना। आप ट्राई ऑन भी देख लेना, ट्राई ऑन भी मैंने इसका किया हुआ है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड बहुत अच्छा वीडियो जल्दी आने वाला है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे। ऐसी वीडियोस मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉटन की साड़ी है, आपको ऐसे ब्लैक कलर का बॉर्डर मिल जाता है, ठीक है। पूरे पे बर्ड्स मिल जाएगी ब्लैक कलर से। और इसका जो ब्लाउज़ है वो मैं अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि पहना हुआ है, पर आपको एक बता देती हूँ, ऐसे धारी धारी कलर का है, ठीक है, धारी वाली है, ब्लैक कलर में मिलेगा आपको, ठीक है। मैं इधर कहीं इमेज लगा दूँगी उसकी, ठीक है, या एक क्लिप लगा दूँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा है ब्लाउज़। पर बहुत अच्छी साड़ी है, काफ़ी अफोर्डेबल है, रेट भी मैं इधर कहीं आपको प्राइस मेंशन कर दूँगी। कोड आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम आते हैं अपनी सेकंड साड़ी पे। तो सेकंड साड़ी जो मैं लेके आई हूँ वो ये है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने दे रखा हुआ है वो है कॉटन सिल्क की साड़ी, बट ये कॉटन सिल्क तो नहीं है, कॉटन की साड़ी है। हॉट पिंक कलर की साड़ी है ये, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट इसका पल्लू दिया हुआ है ग्रीन कलर का, बहुत डार्क ग्रीन है ये, देख लो। इस तरीके से यहाँ पे पल्लू पे आपको ऐसे टेसल्स मिल जाएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीन का भी एलिमेंट दे रखा हुआ है, ठीक है। पूरी 5 मीटर की साड़ी है, इसमें इसी कलर का कॉन्ट्रास्ट कलर का आपको ब्लाउज मिल जाएगा फैब्रिक, ठीक है। और काफ़ी अच्छी, काफ़ी अफोर्डेबल है यार, आराम से आप अगर ऑफिस वगैरह जाते हो, घर पे भी कौन पहन की, घर पे तो कॉटन साड़ी सबसे कंफर्टेबल होती है अगर आप साड़ी वेयर करते हो, ठीक है। और जो टीचर्स होती हैं जिन्हें जाना होता है, जैसा कि मैं पहले बोला, उनके लिए सब बहुत अच्छा होता है, कम्फर्टेबल होता है। पहन लिया कुछ दिन, 6 महीने भी पहना, उसके बाद फिर दूसरी खरीद लिया, है ना। अब हम आते हैं अपने लास्ट और तीसरी साड़ी के साथ, ठीक है। वो ये है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये भी कॉटन की साड़ी है, पूरी अच्छी खासी लेंथ है, वही जो 5-5.5 मीटर की होती है साड़ियों की, कॉटन फैब्रिक है, पर्पल कलर की साड़ी है। इसके साथ वैसे तो जब आप साइड पे देखोगे तो दिखाएगा कि ग्रीन कलर का है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट है इसका पल्लू, बट पल्लू कॉन्ट्रास्ट
ग्रीन नहीं है, ये थोड़ा गोल्डन टोन पे है, ठीक है। और इसके साथ वैसे तो उस पे मेंशन है ब्लाउज, पर मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा, हो सकता है सेम कलर का होगा क्योंकि कोई कंट्रास्ट वगैरह भी इसमें नहीं दिया है, तो ब्लाउज का थोड़ा मुझे पंगा लग रहा है कि पता नहीं इसमें ब्लाउज है या नहीं है, वो मुझे टेलर के पास जाना पड़ेगा तब पता चलेगा, बिकॉज अभी मैंने शूट कर लिया, अभी इस पर फॉल पीको को कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ वीडियो आने वाली है, इसीलिए मैंने अभी इसका एक आपको शेयर कर दिया हॉल, आगे इससे रिलेटेड आपको और वीडियोज मिलेंगी। तो यही है, प्राइस आपको मैं मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको कोड मिल जाएगा, तो बताइएगा कि कैसी लगी आप सब। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए, जो टीचर है, जो वर्किंग है, जो घर पे साड़ियाँ पहनती है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो ज़रूर उनके साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और बेल को प्रेस कर लीजिए अगर नहीं किया है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अगली बार अगली वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ आपको, तब तक के लिए बाय बाय, लव लव।